हेलो, आज हम देखेंगे बुककीपर में कंपनी सिंक कैसे करना है। ओके, टुडे वी विल सी हाउ टू सिंक कंपनी इन बुककीपर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डाउनलोड बुककीपर। पहले हम बुककीपर डाउनलोड करेंगे, देन वी विल क्रिएट अ कंपनी। हम कंपनी बनाएंगे एंड देन वी विल सिंक। ओके, पहले गो टू बुककीपर वेबसाइट एंड डाउनलोड बुककीपर फॉर विंडोज। बुककीपर की वेबसाइट पे जाएंगे और बुककीपर विंडोज डाउनलोड करेंगे। ओके, आई हैव स्टार्टेड टू डाउनलोड। एक बार डाउनलोड पूरा हो गया, देन वी विल इंस्टॉल इट। डाउनलोड पूरा हो गया है, अब हम इंस्टॉल करेंगे इसे। आई एम इंस्टॉलिंग बुककीपर। ओके, ओके, वी आर इंस्टॉलिंग बुककीपर। बुककीपर इंस्टॉल हो रहा है। अब हम बुककीपर ओपन करेंगे और इसमें कंपनी बनाएंगे। बुककीपर हैज बीन इंस्टॉल, वी विल ओपन इट एंड वी विल क्रिएट अ कंपनी इन इट। ओके, एंड देन वी विल सी हाउ टू सिंक। ओके, ओके, इट हैज बीन इंस्टॉल। इंस्टॉलेशन पूरा हो गया है, अब हम ओपन कर रहे हैं। ओके, नाउ वी विल क्रिएट अ न्यू कंपनी। एक नई कंपनी बनाएंगे हम इसमें और फिर हम इसमें देखेंगे सिंक कैसे होता है। ओके, सो वी हैव क्रिएटेड कंपनी। कंपनी बन गई है, अब हम इसमें सेल्स वाउचर बना लेते हैं। We will create one sales voucher. Okay. Okay. So, ये हमारा sales voucher बन गया है. We have created a sales voucher. Now, we will see how to sync company. Syncing, on the top left, you can see company file a local node syncing. Click on it. ऊपर एक button है, company file a local node syncing, वो दबाएंगे. ये बोल रहा है आपको ड्रॉपबॉक्स डाउनलोड करना है। बुककीपर में जो सिंकिंग होती है पूरा, वो वाया ड्रॉपबॉक्स है। ठीक है, ड्रॉपबॉक्स से आपको अपना पर्सनल अकाउंट बनाना है, फ्री अकाउंट, कुछ पे नहीं करना। ओके, ड्रॉपबॉक्स, ऑन ड्रॉपबॉक्स यू हैव टू क्रिएट योर पर्सनल फ्री अकाउंट, यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग। ओके, ऑल की सिंकिंग इज डन via Dropbox. So I am downloading Dropbox and then I will create a new account over there. यहाँ पर मैंने Dropbox download पर लगा दिया है और download करके install करेंगे इससे और फिर इस पर मैं अपना free account बनाऊँगा। ठीक है, ये install हो रहा है Dropbox। हमारा Dropbox install हो गया है, इसे open करते हैं और साइन अप करते हैं। वी हैव इंस्टॉल्ड ए ड्रॉपबॉक्स, लेट्स ओपन इट एंड साइन अप द न्यू अकाउंट। इफ यू ऑलरेडी हैव द अकाउंट, यू कैन साइन इन। अगर ऑलरेडी अकाउंट है आपका तो आप साइन इन कर सकते हैं। अगर न्यू अकाउंट नहीं है तो आप न्यू अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पे मैं ड्रॉपबॉक्स का अकाउंट साइन अप कर रहा हूँ। ओके, अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से। ठीक है, यहाँ पे मैंने साइन अप किया एंड इट इज टेकिंग अ मिनट एंड और इट हैज बीन साइंड अप एंड ड्रॉपबॉक्स साइन अप हो गया है। ड्रॉपबॉक्स साइन अप हो गया है, न्यू अकाउंट बन गया है। अब हम सिंक करेंगे ये कंपनी। यहाँ एक बटन आ रहा है लिंक Dropbox, मतलब बुककीपर और ड्रॉपबॉक्स दोनों अलग एप्लीकेशन है, दोनों लिंक करेंगे हम। लिंक होने के बाद सिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने लिंक का बटन दबाया एंड अपनी आईडी पासवर्ड डाली मैंने इसमें। ओके, देयर इज अ बटन लिंक Dropbox, क्लिक ऑन इट। वी आर गोइंग टू लिंक बुककीपर एंड Dropbox, both the applications. Okay, I have click on link. It is asking me some ID password verification. I will do the verification.
एंड देन इट विल गिव मी द ऑप्शन टू इनेबल सिंक. ओके, आई हैव डन द वेरिफिकेशन. यस, अलाउ. Taking a minute. Yes, has been successfully linked. Now you can see there is a button enable sync. I click on it, and if you see carefully, it is saying company file starting sync. Okay, your company file is now syncing. It is coming a green color. हरे रन में ये दिखा रहा है कंपनी फाइल इज सिंक इन वाया ड्रॉपबॉक्स. एंड आप ध्यान से देखें तो ऊपर कंपनी नेम के साथ में ड्रॉपबॉक्स का आइकन भी आ गया है. इफ यू सी केयरफुली ऑन द टॉप विद कंपनी नेम देयर इज ड्रॉपबॉक्स आइकन आल्सो. अब हम देखेंगे वही कंपनी फाइल मोबाइल पे कैसे चलाएं जो कंपनी फाइल हमने ड्रॉपबॉक्स पे सिंक की है कंप्यूटर से. वो चीज़ अब हम मोबाइल पे कैसे लेके आए वो देखेंगे हम. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी सिंक की कंपनी फाइल फ्रॉम कंप्यूटर टू ड्रॉपबॉक्स. नाउ वी विल सी हाउ टू ओपन द सेम कंपनी इन मोबाइल. ओके, so that both computer and mobile can sync, and if I work on computer it should come on my mobile, and if I work on mobile it should come on my computer automatically. So I have installed bookkeeper in my mobile. Bookkeeper mobile mein install kiya hai, ise open kar rahe hain. Okay. Here is your button restore company. Restore company का button press किया, then it asking enable sync. मेरी company already Dropbox पर है तो मैंने enable sync का button दबाया. यहाँ पे again वही same steps है. Link, first step link. You have to link bookkeeper and Dropbox. Both are separate applications. मैंने दोनों को link किया. वही same Dropbox ID password डाला है इसमें जो मैंने computer पे डाला था. अगर आप अलग ID password डालोगे तो sync नहीं होगा. You need to enter same ID password of Dropbox which you have entered in your computer. If you will enter different ID password, it won't sync. Okay. ID password डाला मैंने Dropbox में, and I click on sign in. It will ask me the permission. Do you want to allow? Just click on allow button. And now bookkeeper will link with my Dropbox, and you can see the company file here. I'm opening the company file. Company file link dikha raha hai mujhe. Maine company file open ki. It is fetching the latest information, and company file is open. You can see the same amount cash in hand 5,000 rupees. I will show you the same invoice also, invoice which we have created. That invoice is there. Jo invoice humne banaya tha wo yahan dikha raha hai. Okay, ek baat jo aapne dhyan rakhni hai, ye pura kaam jo bhi kiya hai, this is one time setup. Ye pura one time aapko karna hai, bar bar nahi karna.
अब आप जो भी काम कंप्यूटर पे करेंगे वो मोबाइल पे आएगा, जो भी मोबाइल पे करेंगे वो कंप्यूटर पे आएगा। दिस इज एंटायर थिंग इज अ वन टाइम प्रोसेस। ओके, यू डोंट हैव टू डू सेम इनेबल डिसेबल सिंक अगेन एंड अगेन बिकॉज दिस इज वन टाइम सेटअप। नाउ whenever you will work on computer it will come to your mobile automatically, whenever you work on mobile it will come to your computer automatically। ab hum computer pe invoice banate hain, let's create one more invoice INV5 on computer and we will see it on mobile because now our company is syncing, right? हमारी कंपनी सिंक हो रही है मोबाइल कंप्यूटर दोनों पे, तो हम देखते हैं कैसे सिंक होता है। अब क्योंकि हमने सेटअप पूरा कर लिया है, पूरा सेटअप हो चुका है, ये मैंने इनवॉइस बनाया INV5, अपडेटेड वन इनवॉइस INV5, अमाउंट इज 5199। ओके, एंड आई एम नॉट गोइंग टू प्रेस एनी बटन, सी यू कैन सी ऑन कंप्यूटर आई एम नॉट गोइंग टू प्रेस एनी बटन, दिस इज INV5 आई हैव क्रिएटेड ऑन कंप्यूटर। ओके, मैंने कोई बटन प्रेस नहीं किया है, कंप्यूटर की स्क्रीन आपके सामने है, ये इनवॉइस बन चुका है। अब मैं मोबाइल लेके आता हूँ और मोबाइल पे देखते हैं ये इनवॉइस आया है या नहीं आया। मोबाइल पे मैंने चेक किया व्यू और ट्रांजेक्शंस एंड ये आप देख सकते हैं INV5 5199 इज ऑलरेडी देयर, यू कैन सी द सेम इनवॉइस ओवर देयर। ओके, I'm not going to press any button. Let's do one more thing. Now we will create on mobile. अब हम mobile पे बनाते हैं INV sets. Okay. Plus button. New sales voucher. INV sets. Okay. On cash. And in the amount I am going to type 999 rupees. Okay. And save it. I'm not going to press any other button. You can see both these scenes, mobile and computer. Okay, I only set it there. Okay, now let's go to computer and check it. Okay, I only set it already there. 999 voucher. I only set apne aap aa gaya yahan pe. I have not pressed any button. So you have to do the setup part only once, and then it will sync automatically between your mobile and computer. Whenever you work on mobile, it will come to computer automatically. Whenever you work on computer, it will go to your mobile. And if you work on mobile, it will come to your computer. That's how sync works in the real time. If your internet is slow, it may take a little time. But if your internet is working fine, it will sync flawlessly. And if you need some help, have some query, write in a comment or you can call us. Or you can drop us email anytime.